और अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की, जहां से कांग्रेस के लिए एक गुड न्यूज है। खबर है कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब विवाद सुलह की ओर बढ़ गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। कभी अशोक गहलोत का करारा प्रहार तो कभी सचिन पायलट का पलटवार। तल्खी इस हद तक बढ़ गई कि कयास लगाए जाने लगे कि पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ कोई नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के बढ़ते पारे ने पायलट और गहलोत के रिश्तों के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया है। राजस्थान सरकार नकल विरोधी कानून में अध्यादेश लाकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान जोड़ने की तैयारी में है, जिसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी, जिसके बाद पायलट और गहलोत के रिश्तों में आई दरार कुछ कम हुई है। सूत्रों के मुताबिक सचिन को चुनाव तक गहलोत के सीएम बने रहने से कोई एतराज नहीं है, बशर्ते टिकट बंटवारे में पायलट को बराबर की हिस्सेदारी मिले या प्रदेश अध्यक्ष का पद। ऐसे में आलाकमान दो तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान में दो डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला ला सकती है। जाट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या फिर हरीश चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उधर राजपूत जितेंद्र सिंह को भी डिप्टी सीएम बनाने पर विचार चल रहा है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने अंदर मचे घमासान को शांत कर लेती है तो चुनाव में उसकी दावेदारी और मजबूत होगी।